किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आलू मटर की सब्जी तो आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस बार आलू मटर की दही वाली सब्जी ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो आप प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आलू मटर की दही वाली सब्जी। गैस पे एक पैन रखते हैं, इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं, सबसे पहले इसमें प्याज डाल देते हैं, इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूंज लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें आलू जो कट करके रखे थे ये बड़े बड़े शेप में, उसको डाल देते हैं। ये आलू को हमने बॉयल नहीं किया है, कच्चा ही आलू है, उसको छील करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि आलू अच्छे से पक जाए, और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के 2 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। इसको बीच बीच में चला के देख लेंगे ताकि जले नहीं हमारा आलू। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आलू मटर की दही वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस तरह बनाइए, बहुत पसंद आएगा आपको। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन है ये, इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा क्रश कर लिए हैं, तो 1 चम्मच ये डाल देते हैं, और ये मटर है उसको भी डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिला करके इसको भी 2 मिनट तक भूंज लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है। तो तीनों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करके डालने से सब्जी में ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आइए हम लोग ये जो मसाला मिक्स करके रखे थे उसको डाल देते हैं। अच्छे से सबको मिला देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। आलू भी हमारा पक गया है, ये 1/2 बाउल दही है इसको अच्छे से फेंट लिए हैं,
तो आइए अब इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छे से चला देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर। हम लोग आलू में भी नमक डाले हैं तो इसलिए अभी थोड़ा सा ही डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं मीडियम फ्लेम पे। हम लोग इसमें दही डाले हैं तो गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लो पे ही उसको पकाएंगे। वाओ, जैसा कि देख सकते हैं परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये आलू मटर की दही वाली सब्जी जो है ना, आप इसको कोई भी फुलके, चपाती या पराठा, पूड़ी, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमारा अच्छे से भुन गया है तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालिए। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। ये धनिया पत्ता बारीक काट लिए हैं तो अब थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और थोड़ा सा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसको 2 मिनट तक ढक के पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से आलू भी हमारा पक गया है और इसके अंदर भी रस चला गया है। तो आइए अब इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। आइए ये जो हम लोग धनिया पत्ता रखे थे उससे गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये रेडी हो गया अपना आलू मटर की दही वाली सब्जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।